News 18, India. पाकिस्तान में फैमिली सरकार बनने जा रही है और ऐसी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन सरकार बनने वाली है। इन सरकारों पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपनी मुहर भी लगा दी है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बीच ऐसी डील हुई है जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में गुस्सा भड़क गया है। इमरान खान के समर्थक और दूसरी पार्टियों ने 16 फरवरी को पूरा पाकिस्तान ठप करने का ऐलान किया है। सेना को डर है कि रावलपिंडी हेडक्वार्टर इस गुस्से का शिकार न बन जाए। पाकिस्तान में चुनाव और एक हफ्ते के अंदर सब सेट हो गया। शरीफ खानदान सेट हो गया, भुट्टो फैमिली सेट हो गई। पाकिस्तान की फौज और उसके जर्नल भी सेट हैं, यानी बाप सेट, बेटा सेट, भाई सेट और बेटी भी सेट। पाकिस्तान में पूरी फैमिली सेट हो गई, भुट्टो से लेकर शरीफ खानदान सब सेट, सबकी गोटी सेट हो गई। पाकिस्तान में सेटिंग वाली सरकार फाइनल हो चुकी है। नवाज और बिलावल का गठबंधन तैयार है, नई सरकार बनेगी, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान की ये सरकार कब तक चलेगी? क्या ये सरकार 2024 में ही गिर जाएगी? इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात ये कि ISI का एजेंडा सेट है, क्योंकि इमरान खान सेट नहीं हो पाए, बल्कि वो और उनकी पार्टी और जीते हुए उम्मीदवार अब पूरी तरह से अपसेट हो चुके हैं, क्योंकि सेट कराने वाली ऑक्सीजन का बटन तो जनरल आसिम मुनीर के पास है। शरीफ फैमिली सत्ता में रहे इसके लिए जनरल ने नवाज शरीफ को भी ऑक्सीजन दी, भाई शहबाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को भी ऑक्सीजन दी। साथ में ऑक्सीजन वाली पॉलिटिक्स बिलावल भी करेंगे और उनके पिता आसिफ अली जरदारी भी। दोनों को सेना से मिलने वाली ऑक्सीजन का पाइप खोल दिया गया है। इमरान खान की पॉलिटिकल ऑक्सीजन वाला बटन तो बहुत पहले ही बंद किया जा चुका है। पाकिस्तान के फौजी प्रशासन ने जिस नई सरकार का फार्मूला तैयार किया है उसके तहत शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उन्हें सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी PPP के मुखिया आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाने की कवायद जल्द ही शुरू की जाएगी। पाकिस्तान में नए राष्ट्रपति का जल्द ही चुनाव होना है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो को सिंध का मुख्यमंत्री और मरियम नवाज को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने को कहा गया है। यानी सिलेक्शन में पाकिस्तान के टॉप परिवार पूरी तरह से सेट कर दिए गए हैं। तैयार किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। हमारी ये जो इत्तेहादी जमाते हैं उन्होंने, उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, उन्होंने PMLN के हक में वोट देने का फैसला किया है। एक तरह से पाकिस्तान के दो परिवारों को पूरे मुल्क का ठेका दे दिया गया है और ऑक्सीजन पर चलने वाली इन सरकारों का ऑक्सीजन सिलेंडर पाकिस्तानी फौज के पास है। ये सब कैसे हुआ? पाकिस्तान में कौन है जो सबसे ज्यादा ठगा गया? क्या वो इमरान खान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंडेट चोरी किया, हम नहीं मानते, वरना यहाँ पे अवाम के गजब को फिर वो दावत दे रहे हैं। जिस तरह से हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है, दहशतगर्दों भत्ता खोरों को हम पर मुसल्लत किया गया है। बोतल लुटेरे लोग हैं ये लोग, जितनी भी पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इसके अंदर सारे चोर है, आपको पता है, ये नहीं चल पाएंगे। ये भी तो ये इलेक्शन तो नहीं ना हुआ, आजाद उम्मीदवार सारे जीते हैं, उसकी तो धांधली का लफ्ज़ बहुत छोटा है। पूरी कौम ही मायूस है। पाकिस्तान की पब्लिक को जमहूरियत मिले ना मिले, पाकिस्तान के टॉप खानदान हर बार सेट हो जाते हैं और 2024 के चुनाव में भी यही हुआ है। पाकिस्तान में नई सरकार का फॉर्मूला देखकर सब हैरान है, लेकिन इमरान खान परेशान है। वैसे पाकिस्तान में सियासी क्या नफा नुकसान है ये सब मायने नहीं रखता, जब तक रावलपिंडी वाले जर्नल के चेहरे पर मुस्कान है। सेटिंग ये हुई है कि नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP में डील हो चुकी है। PPP अभी PMLN को बाहर से समर्थन देगी। नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री उनके भाई शहबाज शरीफ होंगे। नवाज ने ये भी ऐलान किया है कि उनकी बेटी मरियम नवाज पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनेंगी। सवाल है कि PPP से डील क्या हुई? तो डील ये बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश।
बिलावल को सिंध प्रांत का सीएम बनाया जाएगा और उनकी चाह पर एक बार फिर पिता आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाने की तैयारी है। प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सदर जरदारी साहब मेरा वालिद है और वो जाके प्रेसिडेंसी में बैठे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त मेरा मुल्क में एक आग फैल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है। और अगर कोई वो सलाहियत रखता है, वो कैपेसिटी रखता है इस आग को बुझाने के लिए, तो वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब है। आसिफ अली जरदारी, जिन्हें पाकिस्तान का मिस्टर 10% भी कहा जाता है, उन्हें फौज की ऑक्सीजन बहुत काम आएगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाए जाने का मतलब है कि अगले 5 साल तक सरकार बदलने पर भी पाकिस्तान का कोई कानून उन्हें छू नहीं पाएगा। इसके अलावा जरदारी को यह सपना भी दिखाया गया है कि आने वाले 2 से 3 साल तक शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना रहने दिया जाए और उसके बाद बिलावल भुट्टो को नया प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन देगी। देखा जाए तो पाकिस्तान में वोट जिसको भी पड़ा, जो भी फैसला आया, उससे दो खानदान इस वक्त बहुत खुश हैं। एक है भुट्टो फैमिली और दूसरी है शरीफ फैमिली। देखा जाए तो इमरान खान और उनकी पार्टी को किनारे लगाकर पाकिस्तान में आर्मी भी सेट हो चुकी है। जनरल का रावलपिंडी हेडक्वार्टर भी सेट है। शहबाज को पीएम बनाने की तैयारी है। मरियम को सीएम बनाया जा रहा है। जरदारी को प्रेसिडेंट हाउस भेजने का प्लान बन चुका है। अब ये सब कुछ हुआ कैसे? जी क्या हुई? बिलावल की ख्वाहिश से लेकर नवाज के तकड़म तक सब बातें बहुत गौर से समझिएगा। पाकिस्तान की कुल 264 सीटों में पीएम एलएन के पास 80 सीट है। उन्हें निर्दलियों का भी समर्थन है। पीपीपी को 54 सीटों पर जीत मिली है। इन दोनों पार्टियों की सीट मिला दे तो उनके पास साधारण बहुमत वाले नंबर हो चुके हैं। 264 सीटों पर चुनाव के बाद बहुमत के लिए 133 सीट चाहिए और नवाज बिलावल के गठबंधन के पास 134 सीट हो चुकी हैं, या कहें कि पाकिस्तान के दो खानदान सेट हो चुके हैं। जबकि 92 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की जीत के बावजूद इमरान खान के हाथ में कटोरा बरकरार है। इसकी वजह भी पाकिस्तान की आर्मी है, जिसने सारा खेल रचा, इमरान खान को जेल भेजा, सजा दिलवाई, उनकी पार्टी का सिंबल ले लिया गया और नेताओं को डरा धमका कर पार्टी भी तोड़ दी गई। इसके बाद वोटिंग में भी गड़बड़ी हुई, जिसके आरोप हर जगह लगे हैं। जहां इमरान को ज्यादा वोट पड़ना था, वहां हिंसा करवाई गई, धमाके कराए गए, काउंटिंग के दौरान पूरी तरह से धोखाधड़ी की गई। How do I see things shaping up? I don't see this coalition government lasting for a long time. And quite frankly, given the accusations that have been made regarding the election, the integrity of the elections, I don't think any government which comes will be able to withstand the demand for other elections, better managed elections, more honest elections in the near future. So I don't think more than 6 to 9 months and they'll have to go in for new elections. पाकिस्तान के केंद्र में भी नवाज बॉस और पाकिस्तान के सबसे पावरफुल सूबे पंजाब में भी नवाज बॉस। नवाज के आलोचक भी इसे बहुत बड़ा खेला कह रहे हैं। जो नवाज ने अपनी शर्तों पर इमरान खान के साथ तो किया ही, बिलावल को भी अपने हिसाब से राजी कर ले। नवाज बताना चाहते हैं कि वो किंग मेकर, उन्हीं के हिसाब से पाकिस्तान में पंजाब से लेकर सिंध और राष्ट्रपति भवन की सत्ता को सेट किया गया है। लेकिन वो भूल गए हैं कि असली खिलाड़ी तो पाकिस्तान की फौज है। इसलिए एक बार फिर देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वाली गैस यानी ऑक्सीजन चैम्बर, जिसका कंट्रोल पूरी तरह जनरल आसिम मुनीर के पास है। नवाज शरीफ और भुट्टो खानदान की ऑक्सीजन तो लगातार सप्लाई की जा रही है, लेकिन एक जमाने में फौज के फेवरेट रहे इमरान खान की पॉलिटिकल ऑक्सीजन बंद की जा चुकी है। यानी पाकिस्तान की सत्ता अलग चल रही है तो फौज के हिसाब से चल रही है और उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। ये बात जरदारी और नवाज शरीफ दोनों को बहुत अच्छी तरह से पता है। वो जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज आगे उन्हें भी अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी और मौका आया तो इमरान खान की तरह डंप भी कर देगी। लिहाजा दोनों ने अपनी फील्डिंग भी बिछाने की कोशिश की है
और जरदारी को राष्ट्रपति बनाकर कुछ सियासी कंट्रोल अपने पास भी रखने का तरीका निकाला है।